आज हम बिहेवियर प्रोग्रामिंग में लूप पढ़ने जा रहे हैं, राइट सर। और लूप में हम यहाँ इसको क्या करने जा रहे हैं, इस जो इमेज है इसको करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो उल्टा पिरामिड है, हम सीधा पिरामिड तो बना चुके थे, ये जो उल्टा पिरामिड है ना इसको तैयार करना है। तो हमें पहले इन दोनों को तैयार कर लेंगे तो यहाँ दोनों को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो उल्टा पिरामिड मतलब कि मुझे क्या करना है कि यहाँ सबसे पहले तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, हमें क्या करना है, ये यहाँ पे मैं एक डेमो दे देता हूँ। एक मुझे इस तरह से पहले पांच करने हैं, चार पांच, चार करने हैं, फिर यहाँ पे तीन करने हैं, फिर यहाँ पे दो करने हैं, फिर यहाँ पे एक करने हैं, ठीक है। लास्ट वाले में दो हो गया सर, लास्ट में दो हो गया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, डेवलपर में चलते हैं, विजुअल बेसिक, इंसर्ट मॉड्यूल, और हम दो एक कर देते हैं, दो विंडो कर देते हैं ताकि सामने दिखेगा भी, ठीक है। सब्जेक्ट और यहाँ पे लूप टेस्ट वन, और जैसी बात हम यहाँ पे लिखेंगे फोर आई इक्वल टू चले वन टू फाइव, और नेक्स्ट आई हमने कर दिया, और यहाँ फोर J इक्वल टू चले वन टू I, और यहाँ पे नेक्स्ट J। अब यहाँ पे करते हैं हम सेल, सेल्स में I रो एंड जो J कॉमा डॉट वैल्यू इक्वल टू क्लास के बाद, क्लास के बाद राइट। तो इसको करने से क्या होगा कि आपके पिरामिड, एक मिनट क्या होगा, दीवक क्यों आ गए, सॉरी वैल्यू की स्पेलिंग गलत, ठीक है ये बन गया। लेकिन इसी को उल्टा शेप करना है, मतलब जो पांच लास्ट में है ना मुझे पांच ऊपर फर्स्ट में करना है। सिंपल सिम क्या करेंगे, सिक्स माइनस आई कर देंगे, राइट। तो सिक्स माइनस आई करते क्या हो जाएगा, इस तरह से हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तो बन गया लेकिन तो उल्टा बना ना, हमें तो इस तरह से लेके आना है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो कॉलन है ना इसी पे हम कर देते हैं सिक्स माइनस जे, ठीक है। सिक्स माइनस जे किए तो अब इस तरह से बन के आ गया कि नहीं सर। हाँ सर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसको लेके इसको इस तरह से करना है। तो इसको एक बार लाइन हम उठाते हैं, सिंपल सा कॉपी करते हैं, और इसमें हम फाइव प्लस जे कर देते हैं, फाइव प्लस जे, तो देखिए क्या होगा, हो गया सर। तो हमने उल्टा पिरामिड बनाया हुआ, लेकिन यहां पे देखिए दो दो लाइनिंग आ गई ना, तो फाइव के जगह पे फोर कर देते, अब ठीक है सर। हेलो। हाँ सर ठीक है, ये हो गया आउटपुट तो ठीक आ गया, बट ये है कि ये चीज हमसे हो क्यों नहीं रहा, ठीक है सर। अब मुझे इसको जो है ना छठे नंबर रो में रखना है, किस में रखना है, छठे नंबर रो में, तभी तो ऊपर ऊपर काम दे सकते हैं। तो यहां हम इसको एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ पे आई जो है दूसरा वाला, यहाँ पे आई जो है आई में कर देता हूं मैं फाइव प्लस, क्या कर दिया हमने फाइव प्लस, पांच रो हम बढ़ा दिए, पांच रो बढ़ते ही ये यहां आ गया, राइट सर।
अब जो है पिरामिड मुझे सीधा वाला बनाना है इसमें। तो यहां हम एक और नीचे लूप लेके जाते हैं, हम करते हैं कि फोर आई आई दोबारा, हाँ आई दे सकते हैं, बाद उनको हो चुका है ना 1 2 5 और फिर नेक्स्ट आई, फिर यहां पे देते हैं कि फोर जे इक्वल टू 1 2 i और यहां पे करते हैं नेक्स्ट j और यहां पे हम करते हैं सेल्स i कॉमा j डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने दे दिया स्टार। अब इस बार इन दोनों को प्ले करते हैं तो क्या होगा, देखिए इस तरह का हो गया। बट इसको मुझे ऐसे नहीं, यहाँ इसको मुझे यहाँ पे लेके आना था ना, इस तरह से बनता था सीख रहा था कैसे। तो मैंने क्या किया इसमें जो हमारा कॉलम था उसमें 5+ कर दिया, तो इससे हमारा एक यहाँ इस तरह का बन गया, लेकिन 5+ नहीं 4+ करना चाहिए था हमें 4+। अब इसको एक बार रन करें, आ गया सर। अभी ये जो हमने कोड ए वाला कोड डाला है ना, इसी को मुझे वापस इस तरह से डालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा कोड है ना ये जो सेल्स वाली है, इसको हमने कर देते हैं 5-, क्या कर देते हैं 5-, 5- नहीं होगा 6- होगा, माफ कीजिएगा 6-, हो गया सर। समझे? हाँ सर। कोई डाउट आप लोगों को सर? हेलो? नहीं है सर, ठीक है, डाउट तो नहीं है इतने, ये इजी था बट हमने कुछ तो निकाल लिए थे पूरा बिल्कुल इसके लिए। इसको ये तो सही हमारा आउटपुट। अब मैं इस समय ऐसा एक काम और कर रहा हूँ कि मैं एक, मान लीजिए कि मैं एक नाम दिया, मुझे हर नाम को अलग अलग सेल में लिखना है। हर नाम को क्या करना है अलग अलग सेल में। तो फोर आई इक्वल टू, चले मान लीजिए यहाँ नेम दे देते हैं यहाँ पे, तो डिम एस एज ए स्ट्रिंग और s इक्वल टू हमने नाम दे दिया, अपना नाम देता हूँ सुजी। अब यहाँ पे लिखता हूँ कि फोर i इक्वल टू चले 1 2 लेन ऑफ s और नेक्स्ट i कर दिया, ठीक है, हमने क्या कर दिया नेक्स्ट i। अब यहाँ पे हम सिंपल सा करेंगे कि सेल्स रो नंबर आई कॉलम नंबर 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू मिड, मिड में एस में से आई पोजीशन से एक लेटर को अलग कर दें, सिंपल सा, देखिए समझे। ये जो मिड है सर, ये जो मिड है सर, ये इसका कोई फंक्शन है जो ले लेता है? मिड फॉर्मूला है ना, जैसे यहाँ पे सुजीत हमने कर दिया और मैं यहाँ मिड लगाता हूँ, तो मिड हमने बोला कि पहले लेटर से एक लेटर अलग कर दो, तो एस अलग कर दिया, फिर वापस मिड हमने लगाया, बोला कि मुझे दूसरे लेटर से एक लेटर अलग कर दो, तो क्या आएगा फिर मिड हमने वापस इसको लगाया, बोला तीसरे लेटर से एक लेटर अलग कर दो, तो सेम यही कर रहा है ना, हमने आई लगाया हुआ है ना, तो पहले वाला पहले लेटर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ओके ठीक। अब इसको कॉलम वाइज करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि मेरा नेम जो आया तो रो वाइज आया ना, अब मुझे कॉलम वाइज आना चाहिए, तो क्या करेंगे सर? तो आई कॉमा 1 है, उसको आई कॉमा आई को नहीं करेंगे, इसको 1 कॉमा आई करेंगे, क्या करेंगे 1 कॉमा, समझ गए? सर
समझ आया सर आपको? जी सर। सर नमस्ते सर। सर नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सर? बढ़िया है सर, आप भी ठीक है? हम भी ठीक है सर। अच्छा अच्छा जी, चलिए, आपको हम एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ठीक है सर? हम बात आपको जो प्रोजेक्ट 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 दे रहे हैं अनप्यूवर्ड डेटा का, जिसमें लूप को और अच्छा अच्छे समझेंगे आप, ठीक है ना? जी, आप कहते हो लूप खत्म हो गया? नहीं, कहाँ लूप खत्म हुआ है अच्छा, सर, लूप अभी पीछे अभी नहीं से पहले। छूटेगा। लूप जो है ना आपका, अच्छा बरगद का पेड़ का भूत है, अच्छा पूरी जिंदगी अभी अभी जब। इसके पहले भी कुछ बताया आपने, मैं जब तक मिस कर गया। नहीं, वही जो क्वेश्चन थे ना आपके, ये जो क्वेश्चन थे अच्छा, अरे पिरामिड वहां वाले, तो इसीलिए अरे ये तो ये मैंने आपको छठा एक नंबर और एक सातवां एक नंबर क्वेश्चन बताया मैंने। एक एक मैंने आपको अगर शायद 2 मिनट में चेक कर सके, एक मेल किया था उस दिन ना, हाँ, मैंने देखा है, उसी मुझे दिन देखना में। पड़ेगा, मेरे पुराना हो गया ना, बहुत ढूंढना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा अभी अच्छा इस पे अच्छा अच्छा ध्यान अच्छा दीजिए ना, ठीक वो छोड़िए, हम कर लेंगे कल, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है सर। जैसे लूप बरगद का पेड़ का भूत है ना, ऐसे हम जिंदा हैं, जिंदा हुए हैं, पीछे नहीं छोड़ेंगे, अच्छा चिंता मत कीजिए कि ऐसा नहीं कि आज के बाद नहीं मिलेंगे, हम भी आपके हाँ नहीं पीछा नहीं नहीं छोड़ने वाले बिल्कुल हैं। ठीक है ठीक है ठीक है सर, हम भी याद रखेंगे हमेशा। चलिए, तो ये आ गया ना सर। तो आपको क्या ठीक है करना सर। है, अनप्योर डेटा क्या करना है, अच्छा मैट्रिक्स फॉर्मेट में है ना, पिवट फॉर्मेट में मान लीजिए है, तो क्या करना है आपको, आपको कुछ इस तरह से डेटा बनाना है अगले शीट में, कि नेम, मंथ और क्वांटिटी सेल जो भी है वो डालना है। तो पहले आप नेम उठाइए, यहाँ डालिए, मंथ हमारा क्या है, जैन है, जैन को उठाया और हमने यहाँ पे इसको डाल दिया, ठीक है? फिर अगेन ये चीज को रिपीट होगा एवरी मंथ के लिए, समझ गए सर? अच्छा यहाँ से फिर जैसे एक कदम फिर आपके। ठीक फरवरी है ठीक है और फिर ठीक फरवरी के से, हाँ मतलब कॉलम वाइज है ना, उसे रो वाइज करना है इस तरह से, एक के नीचे एक के नीचे, अच्छा समझे सर? जी हाँ जी जी, सर ठीक 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 इसको करके भेजिए मुझे आप। ठीक 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 आज की टॉपिक